लाल निशान में बंद हुआ बाजार, जानिए 10 नवंबर को कैसी रह सकती है इसकी चाल। 9 नवंबर को सेंसेक्स और निफ्टी उठापटक भरे कारोबार के बाद लाल निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी 19,400 के थोड़ा नीचे बंद हुआ है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 143.41 अंक या 0.22% की गिरावट के साथ 64,832.20 पर और निफ्टी 48.20 अंक या 0.25% की कमजोरी के साथ 19,395.30 पर बंद हुआ है। आज यानी 9 नवंबर को लगभग 1,588 शेयर बढ़े हैं, वहीं 1,979 शेयर गिरे हैं, जबकि 123 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। BSE मिड कैप इंडेक्स सपाट नोट पर बंद हुआ है, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.25% नीचे बंद हुआ है। अदाड़ी एंटरप्राइजेस, HUL, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, अदाड़ी पोर्ट्स और ONGC आज निफ्टी के टॉप लूजर रहे हैं, जबकि M&M, अपोलो हॉस्पिटल्स, कोल इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन निफ्टी के टॉप गेनर रहे हैं। BSE में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 9 नवंबर को घटकर 319.78 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी बुधवार 8 नवंबर को 320.50 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 72,000 करोड़ रुपए घटा है। 10 नवंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर का कहना है कि आज 19,450 के रेजिस्टेंस लेवल ने अपनी भूमिका बहुत अच्छी निभाई। दायरे में कारोबार करने के बाद निफ्टी अंत में 48.20 अंकों की गिरावट के साथ 19,395.30 के स्तर पर बंद हुआ। रियल्टी सेक्टर की तेजी जारी रही और कारोबारी दिन के अंत में ये 52 सप्ताह के नए हाई पर बंद हुआ। फ्रंटलाइन ऑटो शेयरों में खरीदारी से ऑटो सेक्टर में उछाल आया। दूसरी ओर FMCG सेक्टर का प्रदर्शन सबसे ज्यादा खराब रहा। IT सेक्टर में भी गिरावट रही। पिछले दो कारोबारी सत्रों से निफ्टी के लिए 19,450 की अपनी तत्काल बाधा को पार करना मुश्किल हो रहा है। निफ्टी को अपट्रेंड जारी रखने के लिए इस बाधा को क्लोजिंग स्तर पर पार करके मजबूती दिखानी होगी। निफ्टी के लिए नीचे की तरफ 19,330 पर तत्काल सपोर्ट है। LKP सिक्योरिटीज के रूपक डे का कहना है कि निफ्टी थोड़ा नीचे फिसल गया है। इसे आज डेली टाइम फ्रेम पर एक बड़े मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है। ये तेजी का ट्रेंड कमजोर होने का संकेत है। इसके अलावा निफ्टी आज 21 EMA से नीचे फिसल गया, जो तेजी की कोशिश के विफल हो जाने का संकेत है। जब तक निफ्टी 19,500 से नीचे रहेगा, तब तक इसमें कमजोरी बने रहने की उम्मीद है। 19,500 तक की सभी रैलियों में बिकवाली आने की संभावना है। निफ्टी के लिए नीचे की तरफ 19,300 पर सपोर्ट है। इस सपोर्ट के टूटने पर बाजार में भारी करेक्शन हो सकता है। उधर निफ्टी बैंक इंडेक्स दिन के दौरान साइडेज बना रहा। यह इंडेक्स 43,500 के सपोर्ट को तो बनाए रहा, लेकिन 44,000 के अहम रेजिस्टेंस तक पहुंचने में विफल रहा। अब जब तक बैंक निफ्टी 43,500 से ऊपर बना रहता है, तब तक इसका रुझान पॉजिटिव बने रहने की संभावना है। वहीं 43,500 से नीचे फिसलने पर इसमें 43,000 से 42,800 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें।